अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं इस ज़मीन की जो कि बिकाऊ है। यह बहुत ही सस्ती ज़मीन है दोस्तों। अगर दोस्तों आप किसी भी लोकेशन की बिकाऊ सस्ती ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, भगाएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप वीडियो को अगर भगाएंगे तो आपको वीडियो में जो ज़मीन दिखाई दे रही इस ज़मीन की पूरी जानकारी नहीं प्राप्त होगी। और दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस ज़मीन की जो आपको वीडियो में दिखाई दे रही है। यह ज़मीन दोस्तों पूरे 15 एकड़ की ज़मीन है, जो कि बिकाऊ है। यह बहुत ही सस्ती ज़मीन जो है बिकाऊ है, पूरे 15 एकड़ की ज़मीन है, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हो, काफ़ी अच्छी लोकेशन की ज़मीन है। यहाँ पर अगर बीघा और बिसवा की बात करें हम, तो यहाँ पर 1 एकड़ में 3 बीघा ज़मीन होती है, और हर राज्य में अलग अलग बीघा बिसवा और एकड़ होता है। और दोस्तों यहाँ पर 1 बीघे में 20 बिसवा ज़मीन होती है, और प्रत्येक बिसवे में 1350 स्क्वायर फीट ज़मीन होती है, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी ज़मीन है, बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन की ज़मीन है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस ज़मीन में होने वाली फसलों की, कि इस ज़मीन में किस प्रकार की आप फसलें पैदा कर सकते हैं। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार की फसलों को पैदा कर सकते हैं। यहाँ पर आप धान, गेहूँ, मक्का जैसी फसलों को आप पैदा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे वीडियो में कि आपको फसल लगी हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों यहाँ पर आप सब्जियों वाली फसलों को भी पैदा कर सकते हैं। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ पैदा कर सकते हैं, जैसे गोभी, फूल गोभी, और जैसे मटर, टमाटर जैसी फसलों को आप यहाँ पर बड़ी आसानी से पैदा कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप दाल वाली फसलों को भी पैदा कर सकते हैं। यहाँ पर अरहर, मूंग जैसी फसलों को आप यहाँ पर पैदा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस ज़मीन में फसल उगाना ना चाहें, तो आप यहाँ पर फैक्ट्री बिल्डिंग और प्लॉटिंग भी करवा सकते हैं, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी लोकेशन की ज़मीन है दोस्तों। और दोस्तों यह ज़मीन काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है, बहुत ही बेहतरीन और सुंदर ज़मीन है। तो अब बात कर लेते हैं इस ज़मीन में सिंचाई की क्या व्यवस्था मिलेगी आपको। यहाँ पर आपको एक ट्यूबवेल मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप इस ज़मीन की सिंचाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक नहर मिल जाती है अच्छी दूरी पर, जिसके माध्यम से इस ज़मीन की भी सिंचाई की जाती है। और दोस्तों यहाँ पर आपको लाइट के तार व खंभे भी मिल जाते हैं, जिसके माध्यम से अगर आप इस ज़मीन को ख़रीदते हैं तो आप यहां पर समरसेबल भी लगवा सकते हैं। अगर आप ज़मीन ख़रीदते हैं तो यहां का वाटर लेवल भी बहुत ज़बरदस्त है, यहां पर मात्र आपको 20 फीट पर पानी मिल जाता है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस ज़मीन की कीमत की, कि इस ज़मीन की कीमत क्या रखी गई है, आपको किस रेट में ज़मीन प्राप्त होगी। मात्र 10,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से रखी गई, अगर आप इस रेंज की ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो के नीचे जो कुछ भी लिखा दिखाई दे रहा उस पर जाके क्लिक करें, और वहीं से इनका नंबर प्राप्त करें, और नंबर पर कॉल करके ज़मीन की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और ज़मीन को जा करके देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस ज़मीन के लोकेशन की, कि इस ज़मीन का लोकेशन क्या है। इस ज़मीन का लोकेशन जैसा कि आप देख रहे हैं, जस्ट साइड में आपको कच्चा रास्ता मिल जाता है, और दूसरी ओर आपको एक खड़ंजा मिल जाता है। और दोस्तों यहां से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको डामर रोड मिल जाती है। बात करें अगर हाईवे की, तो यहां से मात्र आपको 7 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक हाईवे रोड भी मिल जाता है दोस्तों। और दोस्तों यहां से 8 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक हॉस्पिटल भी मिल जाता है। और दोस्तों यहां से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक बड़ा कॉलेज भी मिल जाता है दोस्तों। यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक रेलवे स्टेशन मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ से
पेट्रोल पंप की अगर हम बात करें तो यहाँ से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक पेट्रोल पंप भी मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर की ही दूरी पर आपको एक बड़ा शहर भी मिल जाता है। और दोस्तों यह जो ज़मीन है काफ़ी अच्छी ज़मीन है, यह ज़मीन एक आबादी से लिंक है। आबादी की दूरी बात करें तो यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर आपको एक आबादी भी मिल जाती है, जहाँ पर आपको 800 जनसंख्या रहती है और यहाँ पर OBC SC ST की कास्टें रहती हैं। दोस्तों तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके करेक्ट लोकेशन की, कि इस ज़मीन का करेक्ट लोकेशन क्या है। इस ज़मीन का करेक्ट लोकेशन है ग्राम उदयपुर, जो कि तहसील कासगंज में पड़ती है। कासगंज यहाँ से जो है मात्र आपको 17 किलोमीटर की दूरी पर पड़ जाती है। और दोस्तों यहाँ से अगर ज़िले की बात करें तो इसका ज़िला दोस्तों कासगंज ही है, जो कि यहाँ से 38 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ की अगर राज्य की बात करें तो यह दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की ज़मीन है, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी और ज़बरदस्त लोकेशन की ज़मीन है, बहुत ही सुंदर ज़मीन है जो कि बिकाऊ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस ज़मीन के मालिक के बारे में, कि इस ज़मीन के मालिक का क्या नाम है। इस ज़मीन के मालिक का नाम श्री आकाश चंद जी है, जो कि जनरल कास्ट से हैं। यह ज़मीन इनकी खरीदी हुई ज़मीन है, इस ज़मीन में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस ज़मीन की अभी कोई तारबंदी पक्की नहीं है, फिलहाल ऐसी तारबंदी की गई डोरी के माध्यम से। अगर आप इस ज़मीन को ख़रीदते हैं तो आप इस ज़मीन की पक्की तारबंदी भी कर सकते हैं, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी ज़मीन है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप फसल उगाना ना चाहें तो यहाँ पर आप फैक्ट्री भी लगवा सकते हैं, बिल्डिंग भी करवा सकते हैं, सॉरी दोस्तों बिल्डिंग भी बनवा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप प्लॉटिंग भी करवा सकते हैं, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी ज़मीन है। अगर दोस्तों आप इस ज़मीन के मालिक का मोबाइल नंबर अथवा इस ज़मीन की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो वीडियो के जस्ट नीचे जो कुछ भी लिखा दिखाई दे रहा उस पर जाकर क्लिक करो, वहीं आपको एक सामने डिस्क्रिप्शन ओपन होगा, जिस डिस्क्रिप्शन में आपको एक नीले कलर की लिंक दिखाई देगी, जिस लिंक पर क्लिक करना। अब जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे ज़मीन की जानकारी और ज़मीन के मालिक का नंबर वहीं पर मिल जाएगा, जिस नंबर पर आप कॉल करके इस ज़मीन की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप किसी अन्य लोकेशन की ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कितनी ज़मीन खरीदना चाहते हैं और किस रेट में ज़मीन खरीदना चाहते हैं, यह सारा सब कुछ कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार दोस्तों।